तो अपने सब्सक्राइबरों के लिए कितने रुपए तक ई रिक्शा लेके आए हो? आप आएँ और 50,000 रुपये में ई रिक्शा आप घर लेकर जाएं। क्या बता रहा हूँ, 50,000 रुपये में ई रिक्शा दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ग्लास दिया हुआ है। अच्छा। ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। अच्छा, स्पेस है यहाँ पे ड्राइवर के लिए, लेग स्पेस बहुत अच्छा है। आप दूसरे ई रिक्शा में देखेंगे तो उनके पैर ऐसे हाँ थोड़े से थोड़े आगे हो जाते हैं, इसमें आपको भरपूर लेग स्पेस मिलता है। तो भाई यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड स्टूडियो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे सबसे अच्छा देखो भाई छोटा सा लॉकर दिया रखा है जो कि आप अपनी चाबी से ही ऑपरेट कर सकते हो। पूरा स्टील बॉडी में है। तो भाई ये पूरा स्टील बॉडी में होने वाला है, तो यहाँ पे आप देखो कितना ही स्पेस है। अच्छा, आपके में सेंटर में लगी है, बाकी ई रिक्शा में पीछे भी रहती है। हाँ जी, पूरा पूरा एक्सचेंज होगा। अच्छा, आपकी सिंगल बैटरी भी खराब होगी तो आपको पूरा एक्सचेंज, चारों बैटरी एक्सचेंज होगी। भाई यहाँ पे आपको डिग्गी वगैरह यानी छोटी सी मिनी स्पेस है, तो भाई यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाएगी। तो भाई बहुत ही लाइट वेट है, मैं एक हाथ से उठा लिया हूँ। तो इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है, 48 वाट का है और 18 एम्पियर का है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग में भाई फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए ई रिक्शा। ठीक है, तो आप लोग ई रिक्शा लेने के लिए सोच रहे थे ना, तो भाई ये वाला ई रिक्शा आके जरूर लेना क्योंकि बहुत ही अच्छे फीचर है और भाई बजट फ्रेंडली है। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं अनुपम भैया के पास और पूरी ई रिक्शा की डिटेल लेते हैं। और अनुपम भैया कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया, तो अपने सब्सक्राइबरों के लिए कितने रुपये तक ई रिक्शा लेके आए हो? आप आएँ और 50,000 रुपये में ई रिक्शा आप घर लेकर जाएँ। क्या बता रहा हूँ, 50,000 रुपये में ई रिक्शा दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई 50,000 रुपये में ई रिक्शा मिलने वाला है, तो भाई मार्केट में तो और भी ई रिक्शा हैं, हम यही ई रिक्शा क्यों लेंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। अच्छा, यहाँ पे ये ग्लास दिया हुआ है। अच्छा। ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। अच्छा, ये कांच पे है, ये फाइबर पे है। अगर आपका ये ब्रेक होता है तो ये आपका पार्ट में चेंज हो जाएगा, आपको पूरा चेंज कराने की जरूरत नहीं। यानी अपना मोटा खर्चा बच गया एक तरीके से, है ना। यानी कि आपका जैसे कोई आपने देखा होगा गाइस, यानी आप पे वगैरह में आता है एक सिंगल कांच रहता है ऐसा कर्व टाइप का, ठीक है, वो टूटता है तो पूरा चेंज कराना पड़ेगा। इसका जैसे ये टूटता है तो ये पार्ट आप अलग से चेंज करा सकते हो, जैसे कि ऑटो में आता था पहले। ठीक है, तो उसी टाइप का है। और इसमें और क्या खास है आप देखते हैं, दूसरे ई रिक्शा में उसमें एक सिंगल ग्लास रहता है, ये ऑटो लुक में है। अच्छा, ये ऑटो लुक में है। आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लेके आए कैमरा, ये देखिए यहाँ पर जो लेग स्पेस है, यहाँ पे ड्राइवर के लिए लेग स्पेस बहुत अच्छा है। आप दूसरे ई रिक्शा में देखेंगे तो उनके पैर ऐसे हाँ थोड़े से थोड़े आगे हो जाते हैं, इसमें आपको भरपूर लेग स्पेस मिलता है, इसमें आपका ड्राइवर को काफी कंफर्टेबल कंफर्टेबल रहता है। तो भाई बहुत ही सही दिख रहा है मेरे ख्याल से। और ये पूरा स्टील बॉडी में है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा स्टील बॉडी में है। तो भाई ये पूरा स्टील बॉडी में होने वाला है। और बाकी मैं आपको पीछे से स्पेस दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कितना ही स्पेस है, देख रहे हो। यानी इसमें कितनी सवारी बैठ जाएगी आपके हिसाब से? इसमें 6 सवारी आ जाएगी। 6 सवारी बैठ जाएगी आप इसमें? ये अच्छा, ये बैटरी लगी हुई है। ये हमारे में सेंटर में बैटरी दी हुई है आपने? अच्छा, आपके में सेंटर में लगी है, बाकी रिक्शा में पीछे भी रहती है। हाँ ना, तो डिवाइडेड में रहती है, बाकी यहाँ पे देख लो एक सेपरेट है, तो इससे बैलेंस बहुत अच्छा रहता होगा। इसमें ये बैलेंस इसमें ज्यादा और दूसरे ई रिक्शा की अपेक्षा इसमें बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। तो अपन ने बैटरी तो खोल ली है, अब ये बताओ बैटरी में कितने साल की वारंटी रहती है इसमें? ये 12 महीने से लेके 2 साल तक की वारंटी आती है। 12 महीने से 2 साल की? तो एक्सचेंज करके देते हो या रिपेयर करके? नहीं नहीं नहीं, ये आपको पूरा एक्सचेंज होगा। आपकी सिंगल बैटरी भी खराब होगी तो आपको पूरा एक्सचेंज, चारों बैटरी एक्सचेंज होगी। तो भाई ये बहुत सही है और बहुत सही जगह बैटरी लगी हुई है। मैंने बाकी ई रिक्शा में देखा है, 2 यहाँ लगी रहती है 2 यहाँ लगी रहती है। तो अपने यहाँ पीछे डिवाइड इसमें क्या रखा हुआ है? स्टेपनी वगैरह है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे आपको डिग्गी वगैरह यानी छोटी सी मिनी स्पेस है, स्टेपनी मिल जाएगी और साथ में यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अपना चार्जर रखा हुआ है क्या? हाँ जी जी, चार्जर रखा हुआ है। तो ये कितने वाट का चार्जर होने वाला है? ये 48 वाट का। 48 वाट का। तो गाइस बहुत ही लाइट वेट है, मैं एक हाथ से उठा लिया हूँ। तो इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है, 48 वाट का है और 18 एम्पियर का है। तो ये एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलेगा? ये 110 किलोमीटर कंपनी बोलती है, हम 100 किलोमीटर बोलते हैं। और इसका अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग किलोमीटर हैं। ये 135 AH में आता है। तो 145 एक बार बताओ, ये अपना कितने इसमें कितने वेरिएंट आते हैं? चार आते हैं इसमें। चार वेरिएंट आते हैं। हर वेरिएंट में अलग अलग है। हाँ, अलग अलग वारंटी भी है। अलग अलग वारंटी, अलग अलग यानी कि किलोमीटर भी बढ़ रहा होगा, है ना, आप ये कहना चाह रहे हो। तो इसमें एक बात बताओ, चार्जिंग टाइम कितना लगने वाला है इसमें? ये 6 से 7 घंटे आपको लगेगा। 6 से 7 घंटे फुल चार्ज हो जाएगा। तो गाइस 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज होने वाली है। और इसमें मोटर कितने वाट की आपने बताया था? ये 1250 साढ़े बारह सौ। तो इसमें मॉडल के हिसाब से अलग अलग है या सब मॉडल में से? नहीं नहीं, अलग अलग है, सब मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। तो गाइस यहाँ पे देख लो, सब मॉडल अलग अलग है। तो इसमें कलर कितने अवेलेबल है? इसमें 5 कलर है, आप देख सकते हैं, ग्रीन, ब्लू और येलो। खड़ा है
और दो कौन से आते हैं? रेड और रेड और व्हाइट और रेड और व्हाइट आते हैं। तो गाइज रेड और व्हाइट मिल जाएंगे। अब बाकी चलो मैं आपको इसका इंटीरियर और दिखा लेता हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का, देख लो भाई। तो यहाँ पे आपको इसका प्लेयर मिल जाएगा लगा हुआ। तो ये कंपनी फिटेड है भैया, है ना? हाँ जी। तो गाइज यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड स्टूडियो मिल जाएगा जो कि और ई रिक्शा में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल मीटर मिल जाएगा, साथ ही साथ रिमोट भी मिलेगा स्टूडियो का। और इसके अंदर क्या है? ये आपका डिक्की है। अच्छा, डिक्की है। तो यहाँ पे स्पीकर भी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छा देखो भाई, छोटा सा लॉकर दिया रखा है जो कि आप अपनी चाबी से ही ऑपरेट कर सकते हो। छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो या मोबाइल वगैरह कभी रख के जाना हो तो भाई रख के जा सकते हो। तो इसकी एक बार की दिखाइएगा। तो गाइस ये है इसकी की। तो इसमें रिमोट भी आता है क्या? नहीं नहीं, की में रिमोट नहीं है। की में रिमोट नहीं है। तो गाइस ये ऑटो की शेप में है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी नॉर्मल सा है। बाकी आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें। हाँ तो भैया एक बार अपना एड्रेस बता देना। जबलपुर ITI रोड मानकुवर भाई मैरिज गार्डन के पास हमारा शोरूम है। तो गाइस ये यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें दोनों नंबर मेंशन है, ठीक है। आप आओगे तो भाई मेन ही रोड ये है, मेन रोड ITI की मेन रोड यही है, ठीक है। यहाँ पे है शोरूम, ये है देख लो स्टार मित्रा ऑटोमोबाइल, यहाँ पे दोनों नंबर लिखे हुए हैं, ये दोनों नंबर चालू हैं। तो अब ये बताओ भैया, जो आपने 50,000 बोले हो, ये 50,000 है क्या? आप बताओ। ये 50,000 का डाउन पेमेंट है। अच्छा, ये डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है। आप उसके बाद आप इसको डाउन पेमेंट करके घर लेके जा सकते हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट है। तो अब इसकी फुल पेमेंट भी तो बताओ। अरे आप पूरा जानकारी यहीं पे वीडियो पे ले लेंगे, आप आइए। अच्छा, आप आइए और इसका चाय वाय पीजिए और लेके जाइए। अच्छा ऐसा है? तो भाई फुल पेमेंट नहीं बता रहे हैं भैया, एक बार विजिट करो, ठीक है। विजिट नहीं कर सकते, ये है दोनों नंबर, आप फोन लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एड्रेस डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी मेन ही रोड में है भाई शोरूम, एक बार विजिट करो। भैया बोले आओ चाय आए पीने आओ, ठीक है, सब रेट बताएंगे, ठीक है। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो गाइस यार देखा जाने, आप लोग एक ई रिक्शा लेने की सोच रहे हो तो भाई बेहतरीन है, आप आओ एक बार विजिट करो, टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद लो, ठीक है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब मारो अपने भाई के नाम, जितने पुरानी वीडियो नहीं देखी आई बटन में आ रही है ये रहा था, चेक कर लें। तो गाइस मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।